नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम और पता बता दीजिए। आप? मेरा नाम संजय भाई मेघजी भाई वासाणी। ओके। मांडवी तालुका। ओके। दुर्गापुर गांव। ओके। जिलो कच्छ भुज। अच्छा, ये जो आपका बगीचा है कितने पौधे है? ये 2500 पौधे। क्या समस्या थी यहाँ पे अभी आपकी? वो पहले इसमें निमोटेड का अटैक था बहुत। ओके। 6 महीने पहले निमोटेड बहुत था। ओके। वो उनके बाद बीच में हमने किया था जो कृषि अमृत और सोइल चार्जर का ट्रीटमेंट इसमें दिया हुआ है। हाँ। तो अभी 6 महीने में 6 महीने के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। ग्रोथ अच्छा मिल रहा है। ग्रोथ अच्छा मिला है और फ्रूट भी अच्छा लगा हुआ है। ओके। वो सब नई सूट भी। वो उस टाइम पे जब बगीचा था हमारा, तो वो बगीचे की हालत उस टाइम पे कैसी थी और आज क्या क्या? अरे वो 6 महीने पहले तो ऐसी हालत थी कि निकालना ही पड़ेगा पूरा बगीचा। हाँ। और अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी हो गया है सेटिंग एकदम। मतलब उसका थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, कई कई वो आगे जगह पे है निमोटेड जैसा है, लेकिन बहुत कंट्रोल हो गया। इतना फल आएगा, इतना अच्छा लग रहा था क्या इसके पहले? आपको अपेक्षा थी कि फल आएगा या ऐसा? नहीं, ऐसा अपेक्षा ही था नहीं मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा लगेगा इसमें। हाँ, वो ऐसा ही था मेरे को, ये निकलना ही पड़ेगा पूरा। ओके ओके। तो अभी ये जो मतलब फल का क्वालिटी देखते हैं अंदर तक, तो एकदम मेन स्टेम को आया है, बराबर है ना? मेन स्टेम को। और दूसरी चीज़ है, आप बीच में से क्वालिटी देखो, क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। और आगे भी देखो, मतलब सब पौधे देखेंगे तो सब क्वालिटी अच्छा है। और एक हाँ, वो अभी दाना है देखो, ये कुछ कुछ पौधे का फल कलर जो आता नहीं है वो कच्छ में ऐसा बोलते हैं। हाँ। कलर भी अच्छा है। नहीं, अभी कलर भी अच्छा आ गया है तो क्वालिटी पत्ते का भी अच्छा हो गया। हाँ, ये पत्ते का ये अभी जो है ग्रोथ, हाँ, वो भी अच्छा, अच्छा हो गया। अभी यहाँ पे एक सर मुझे पूछना है, ये जो स्प्रे यहाँ पे कर रहे हैं ब्लोअर से, वो उसमें एक थोड़ा सा और जानकारी किसानों को दे, मतलब जैसे इनका नेमेटोड अच्छा हो गया, वो निकल गया तो पौधा अच्छा हो गया, लेकिन नेमेटोड के साथ में, नेमेटोड के साथ में है अभी ये जो ग्रोथ दिख रहा है कि ये ग्रोथ और अच्छा होने के लिए, पत्ते अच्छे होने के लिए क्या करना चाहिए? जो अभी स्प्रे देख रहे हैं आप, बड़े ट्रैक्टर से हो रहा है। हाँ, हाँ। और इसका आरपीएम ज्यादा रहता है और स्पीड भी ज्यादा रहता है। हाँ। और जो पीछे ब्लोर है, बंद कर दो, थोड़ा सा बंद कर दीजिए। जो पीछे जो ब्लोर लगा है, हाँ। उसका जो आरपीएम है और उसका आरपीएम मैच नहीं होता है, मतलब वो तो रूट के लिए चलता है घूमने के लिए, लेकिन उसमें से जो हवा चलनी चाहिए ब्लोर के, जो स्प्रे देखा आपका, जो स्प्रे अभी देखा हमने कि जो 2 मिनट पहले हमने जो उनको जो बताया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था स्प्रे का, वो पहले थोड़ा जगह जगह पे लग रहा था और जगह पे नहीं लग रहा था, और प्रेशर भी छूट रहे, मतलब जो ब्लोअर चलना चाहिए एक सर का, हाथ से जैसे मारते कैसे एक सर दे रहे थे आप? 1000 लीटर दे रहे थे। 2500 में? हाँ, 2500 बड़े पौधे में कितना पानी जाना चाहिए? 1700 लीटर। अच्छा, मतलब इतने बड़े पौधों में कम से कम 700 ml पर प्लांट के लिए स्प्रे जाना चाहिए, तो वो जा रहा है कम से कम 300 ml। आप बोल रहे हैं कच्छ में सब किसान ऐसे ही कर रहे हैं? ऐसा ही, तो ये बहुत बड़ी गलती नहीं, है। नहीं, और इसके वजह से आपको जो ब्लाइट आता है, आधी जगह पे स्प्रे जा रहा है आधी जगह पे नहीं जा रहा है, उसका रिजल्ट आपको 100% नहीं मिलता है ना। तो उसको क्या करना है, पहले ट्रैक्टर का स्पीड कम कर दो, ट्रैक्टर का और ब्लोअर का, जो ब्लोअर का स्पीड प्रेशर चाहिए वो कम से कम 2 चाहिए, और ट्रैक्टर चलना चाहिए 2 स्पीड, लो सेकंड गियर पर चलना चाहिए, अगर छोटा हो तो फर्स्ट वही चलना चाहिए। देखिए हर एक ट्रैक्टर का आरपीएम अलग रहता है, स्पीड अलग रहता है, अभी महिंद्रा चला रहा है, मतलब प्रेशर ज्यादा 2 का रहना चाहिए और ट्रैक्टर स्लो चलना चाहिए, स्लो चलना चाहिए, मतलब आप देखिए तो समझो सब प्लांट में एकदम एक जैसा गैप नहीं रहे। यस यस, एक साल का प्लेड है तो उसको कम से कम 250-300 ml दवा जानी चाहिए, मतलब स्प्रे जाना चाहिए, जैसा स्प्रे बढ़ेगा हर साल के लिए 200-250 ml बढ़ना चाहिए, मतलब अब ये 4 साल का है तो इसको कम से कम 600-700 ml स्प्रे जाना चाहिए, आराम से जाना चाहिए, आना चाहिए पानी और स्प्रे का उसको जाना चाहिए, तो आपका कम जा रहा है, मतलब 2500 पेड़ के लिए कम से कम 1500-2000। दवा भी कम जाएगी नहीं फिर? तो दवा कम जाती है, रिजल्ट आपको नहीं आएगा आपको वो सही। ये कच्छ में आप, हमने पहली बार देखा है, हमारे ऐसा नहीं चलता, हमारे एकदम स्लोली, आप एक बार अगर ब्लोअर के पीछे चलेंगे तो पूरा पेड़ गीला दिखेगा आपको। आगे थोड़ा सा एक मिनट इधर आइए, अभी थोड़ा सा ये नहीं, अभी जो आपके समझ में आ रहा है कि ये क्या बता रहे, समझ में आ रहा है? ओके ओके, हाँ अभी चालू कर दीजिए, चालू कर, एक मिनट ठहरिए थोड़ा सा, और इधर पीछे आइए, चालू कर दीजिए आप, चालू करो आप, चलो आपको तुरंत ही दिखाई देगा। और इसका जो आरपीएम है, उसका फैन है, हाँ। वो भी छोटा है ठीक है, लेकिन वो अभी क्या देखो, अभी ये जो स्प्रे जा रहा है अभी सही जा रहा है, तो इसका सेटिंग कर दिया ना सेकंड पे, तो ये स्लो, ये जो अभी स्पीड जा रहा है ना, अभी देखिए धुआं चल रहा है हर तरफ, और पहले ही धुआं नहीं दिख रहा था। और इसका एक दूसरा भी है, सुबह शाम स्प्रे होना चाहिए, दोपहर को नहीं चाहिए, अभी डेमो के लिए हम ठीक है कर रहे हैं, हाँ। तो लेकिन मतलब अभी देखिए
अभी जो पहला स्पीड नहीं, यहाँ पे आप देख रहे पूरा वो गीला बराबर है, ये जो कम्प्लीट गीला होना चाहिए वो कम्प्लीट गीला हो रहा है बराबर है ना। ठीक है ठीक है, तो इधर आइए, इधर पूरा पेड़ गीला है अंदर से बाहर तक, ये देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, गीला ही दिखाई, मतलब वो कंप्लीट स्प्रे नहीं जाता है, स्प्रे जाता नहीं कंप्लीट, तो बीमारी जाएगी नहीं, ये देखो। नहीं तो बीच में दवाई नहीं जाएगी तो बीमारी कैसे जाएगी, बराबर है ना, समझो आती, ये जो स्प्रे गया है वो अंदर तक नहीं जाएगा तो बीमारी कैसे जाएगी। अब देखिए कुछ कुछ जगह अभी भी छूट रहा है। हाँ मतलब ये स्प्रे करने का तरीका है कच में चेंज करना चाहिए। और देखिए अभी जो सेकंड पे डाला है तो इधर देखिए सर, इधर पूरा गीला होगा एक तरीका, मतलब ये जो है ये पूरा गीला होगा, इस तरह स्प्रे होना चाहिए, कुछ जगह छूटना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी हो या कौन सा भी, तो स्प्रे सही करना चाहिए, नहीं तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा। आप क्या क्या करते हैं, थोड़े से दवाई बचाने के लिए या मालूम नहीं किसानों को, कम से कम इसमें ये पौधे में 700 ml पानी जाना चाहिए, ये लेवल पे अगर आप दवाई बढ़ाएंगे तो आपका रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, और नहीं दवा अगर सही मात्रा में जाएगी तभी सही मात्रा में जाना चाहिए ना वो। अब अगर आप इतना बड़ा पेड़ है और उसको कुछ जगह लग रहा है कुछ जगह नहीं लग रहा है, जिधर जिधर लगेगा उधर तो बैक्टीरिया कम हो जाएगा, मतलब उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ पल पर नहीं गिरा है तो उस पर वो बैक्टीरिया, बराबर मतलब आपको जो भी दवा देना है वो उसी मात्रा में जाना जरूरी है। तो हर एक का जो प्रमाण है वो प्रेशर कैसे मेंटेन करे, किस प्रेशर 2 पे रहना चाहिए पंप का, HDPE पंप रहता है उसका प्रेशर 2 पे, अगर ट्रैक्टर चल रहा है तो ट्रैक्टर का स्पीड कम से कम 12 से 13-14 तक लास्ट इतना स्पीड होना चाहिए, और सेकंड पे चाहिए लो जो स्लो गियर रहता है, सेकंड लो पे चाहिए। आप जो ये बहुत बड़ी गलती, मतलब नहीं तो ये बड़ी बहुत बड़ी गलती साबित हो, अगर छोटा ट्रैक्टर है तो फर्स्ट भी चलना चाहिए, उसका प्रेशर भी 12 से 13 तक चाहिए, और उसका स्पीड है पंप का वो तो 2 कंपल्सर रहना चाहिए, HDPE पंप का जो प्रेशर है वो 2 RPM 2 HP रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।